अभी नवरात्रे चल रही है, नवरात्रे में हिंदू पूजा का होता है जगह। आज जम्मू में एकजुट जो एकम सनातन पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा, उनका कल का ट्वीट है कि भाजपा शासन ने, यानी ये केंद्रीय शासन चल रहा है वहां, केंद्र द्वारा संचालित, तो भाजपा का ही शासन है, तो शिव मंदिर को नवरात्र में तोड़ दिया गया। ये गिरा दिया आटा। सारी प्रक्रिया, ये एडवोकेट है कह रहे, सारी प्रक्रिया गैर कानूनी थी, मोहल्ले में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, मंदिर के पुजारी को नोटिस नहीं दिया गया, और उसके बाद ये जो है बिना अल्टीमेटम के मंदिर को जमींदोज कर दिया। किसमें? नवरात्रे में। मंदिर तोड़ने में एबक और औरंगजेब से कोई होड़ ले सकता है वर्तमान में तो भाजपा, कांग्रेस तो बहुत पीछे। सीता की रसोई तोड़ दी अयोध्या में, पौराणिक मंदिर काशी में 40 तोड़ दिए, महाकाल में आपने देखा, अब आपको वृंदावन तोड़ने की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो एवक औरंगजेब और भाजपा तीन जो हैं मंदिरों के सबसे बड़े विनाशक के रूप में सामने आए हैं। तो वहां मंदिर तोड़ा गया। दिल्ली में क्या किया गया देख लीजिए, दिल्ली का मैं कागज कहूंगा दिखाने के लिए। दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अधीन है, उन्होंने जहांगीरपुर इलाके में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि पिछली बार मलेच्छों ने पथराव किया था, तो मलेच्छों पे कार्रवाई करने की जगह हिंदू ही यात्रा नहीं निकालेगा। जाओ, ये है आपको कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जहांगीरपुरी में श्री राम भगवान प्रतिमा यात्रा जो है उसको नहीं दिया अनुमति। अब वहां यानी और लोग कहता है ये नहीं होंगे तो हिंदू का क्या होगा, अरे ये है तभी तुम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हो, इनके रास्ते में नहीं निकाल पा रहे हो, यही तुमको रोक रहे हैं। हिंदुओं का क्या होगा, तुम्हारा ये होगा, हो रहा है ये जो झूठ बोलते हैं, हिंदुओं का क्या होगा, होते हुए तुम्हारा पद यात्रा नहीं, उनपे कार्रवाई की करने की जगह तुम्हारा पद यात्रा ही कैंसिल कर दिया। लो अब करो मरो। उसके बाद एक खबर मैं आपको ले चल रहा हूं, केरला में, केरला में कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां पर एक टेम्पल को पाकिस्तान के रंग से रंग दिया गया है, मंदिर के प्रबंधन ने यानी कोई आके मार दिया, हरा और सफेद करके पूरा मंदिर को मस्जिद बना दिया। उसके बाद ये पूरा मामला है थिरुमंधम कुन्नू टेम्पल, अंगादीपुरम में है ये, मल्लापुरम में, और उसको विरोध होने के कारण फिर ग्रीन और व्हाइट पेंट हटाया गया है, ये पाकिस्तान के फ्लैग से रंग दिया गया था। हिंदू जो है ने अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं हटाया गया तो हम लोग खुद अपना रंग लगाएंगे इसमें। और ये जो है मालाबार देवस देवस भूम बोर्ड जो है, ये इस बोर्ड में, इसलिए जो सरकारी बोर्ड जो हमने कहा है एकम सनातन में कि मंदिर मुक्त कराएंगे, इस बोर्ड में कम्युनिस्ट नास्तिक ये सब भरे पड़े, इसलिए वो पाकिस्तान का रंग मंदिर पे लगवा रहे हैं। ये स्थिति है उस पूरे बोर्ड में। और सबसे बड़ी बात है कि इस फेस्टिवल कमिटी में मुस्लिम्स भी हैं, फर्स्ट नेम ऑन द पैनल इज दैट द मुस्लिम लीग लीडर, मुस्लिम लीग लीडर इसमें है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल समादनी, ये जो है आपको इन सबको लगाया गया है। तो आप समझ के देखिए कि केरला में क्या स्थिति है, हिंदुओं के विरोध के कारण पेंट हटाए जा रहे हैं, लेकिन आपके मंदिर पे कब्जा होने के बाद आपके मंदिर को कल पाकिस्तान बनाया जाएगा, इसकी एक वानगी भर आपको देख लीजिए, ये वानगी भर है।